नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुरविश। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार अब एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। इस पेंशन स्कीम का नाम है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पहले ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम चलती थी जिसे सरकार ने बंद किया और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम लेकर आई, जिसको लेकर काफी विरोध हुआ और लोग पुरानी पेंशन स्कीम की मांग करने लगे। लेकिन सरकार ने एक न सुनी और अब यूपीएस के नाम से नई स्कीम लॉन्च कर दी है। सरकार की नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम से केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को तुरंत फायदा मिलना तय है। इस स्कीम का मकसद रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक तयशुदा पेंशन रकम तय करना है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक न्यूनतम पेंशन दी जाएगी जो उनके सर्विस के सालों और उनकी एवरेज सैलरी पर बेस्ड होगी। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। वहीं कुछ राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू है। इसी बीच सवाल यह है कि कौन सी स्कीम में ज्यादा फायदा है और ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस को एक दूसरे से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले नई वाली स्कीम यूपीएस के बारे में आपको बता रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए 25 साल नौकरी करने पर रिटायर होने के बाद उसकी पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। स्कीम के तहत एश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है, यानी अगर कोई व्यक्ति 10 साल नौकरी करता है तो उसे कम से कम 10,000 पेंशन दी जाएगी। अगर रिटायर होने के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60% हिस्सा परिवार वालों को मिलेगा। यूपीएस में रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि दी जाएगी। यूपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन 18.5% होगा जो कि इससे पहले वाली स्कीम एनपीएस में 14% था। ये स्कीम महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई है, यानी जैसे ही महंगाई बढ़ेगी तो पेंशन की रकम में भी इजाफा किया जाएगा। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के वक्त एक मुश्त भुगतान किया जाएगा जो कर्मचारी की लास्ट सैलरी मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 10वां हिस्सा होगा। नई वाली स्कीम यूपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम से कंपेयर करें तो यूपीएस ही बाजी मारती है, क्योंकि एनपीएस एक निवेश आधारित पेंशन स्कीम है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें पेंशन की रकम बाजार में निवेश किए गए फंड्स की परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है, यानी इसमें निश्चित पेंशन नहीं होती है। एनपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% और कर्मचारी का 10% होता है। इस योजना में टैक्स छूट के फायदे भी मिलते हैं, जैसे कि 2,00,000 रुपए तक की टैक्स छूट और 60% रकम निकालने पर टैक्स से छूट मिलती है। वहीं अगर बात करें इन दिनों की स्कीम से पहले वाली स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना की, तो ओपीएस के तहत केंद्र और राज्य कर्मचारियों को उनकी लास्ट बेसिक सैलरी का आधा यानी कि 50% पेंशन के तौर पर तय था। इसी के साथ महंगाई से राहत के लिए डीए को भी इसमें शामिल किया गया था। अब यही नियम यूपीएस यानी कि सरकार ने हालिया स्कीम लॉन्च की है उसमें भी तय किया गया है, यानी कर्मचारियों की एक बड़ी मांग यहाँ भी पूरी हो गई है। पहले भी यही था, जब भी सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती थी तो रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ती थी। ओपीएस के तहत ग्रेच्युटी भी दी जाती थी जो यूपीएस में भी बरकरार रखी गई है। इसके अलावा यूपीएस में एनपीएस की भी एक खासियत को शामिल किया गया है, कॉन्ट्रीब्यूटरी फाइनेंस स्कीम को भी शामिल किया गया है। इसके तहत कर्मचारी खुद ही अपने पेंशन फंड में योगदान करता है ताकि रिटायरमेंट पर उन्हें ज्यादा पेंशन मिल सके। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस स्कीम को लागू करने के बाद हर साल सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ये फैसला लेने का अधिकार होगा कि एनपीएस में बने रहें या यूपीएस में शामिल होंगे। ये स्कीम उन सभी पर लागू होगी जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं। आपका क्या कहना है सरकार की नई लॉन्च हुई स्कीम के बारे में यूपीएस को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर को शेयर करना ना भूलें और हमें सब्सक्राइब करना भी नहीं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।